नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। दोस्तों, तेज तर्रार आईपीएस प्रभाकर चौधरी ड्यूटी के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी को लेकर जाने जाते हैं। अलग अलग जनपदों में रहकर उनके द्वारा किए गए कार्यों से न सिर्फ जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है, बल्कि पुलिस का ये चेहरा देखकर लोगों का नजरिया भी बदलता है। मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी को 15 जून को मेरठ का एसएसपी बनाया गया। 15 से 17 जून तक वह छुट्टी पर रहे। 16 जून की सुबह प्रभाकर चौधरी पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद अचानक मेरठ के सर्किट हाउस पहुंच गए। किसी को कानोकान भनक तक नहीं लगी। सर्किट हाउस से सूचना फ्लैश हुई तो पुलिस अधिकारी गुलदस्ते लेकर स्वागत करने पहुंचे। इसके बाद प्रभाकर चौधरी मुरादाबाद निकल गए। मुरादाबाद से गुरुवार को मेरठ में एंट्री शाम करीब 4:30 बजे हुई। वह प्राइवेट इनोवा में थे और सादे कपड़े पहने हुए थे। भ्रमण की शुरुआत मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर खरखौदा थाने से हुई। यहां से एल ब्लॉक शास्त्री नगर, तेजगढ़ी चौराहा, जेल चुंगी, कमिश्नर आवास चौराहा, 0 माइल देखते हुए सर्किट हाउस आए। कुछ देर बाद फिर भ्रमण पर निकल गए और बेगमपुल दिल्ली रोड होते हुए हाईवे पर सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ गए। सूत्रों के मुताबिक नवागत एसएसपी की कार कहीं नहीं रुकी। उनका मकसद सिर्फ शहर का भ्रमण कर भौगोलिक स्थिति का जायजा लेना था। जिस वक्त एसएसपी भ्रमण कर रहे थे, उन्हें कुछ पुलिसकर्मियों ने पहचान लिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों के प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में यह सूचना फैल गई। सभी पुलिसकर्मी चौकस हो गए। इसे लेकर रात तक खलबली मची रही। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने शुक्रवार को मेरठ का कार्यभार संभाल लिया है और उनके चार्ज संभालने के बाद कहीं ना कहीं भ्रष्ट पुलिसकर्मी, थाने पर सक्रिय रहने वाले दलाल और अपराधियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आखिरी बार प्रभाकर चौधरी उस वक्त चर्चा में आए थे जब वह पीठ पर बैग टांगे हुए कानपुर का चार्ज संभालने पहुंच गए थे। वहीं उससे पहले बुलंदशहर एसएसपी बनाए जाने के बाद उन्होंने बुलंदशहर के थानों में बोर्ड लगवा दिए थे कि यहां पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। दोस्तों, आप ऐसे अधिकारियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो चलाई थी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक जीजा ने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली और वो पुलिसकर्मी की जॉब अपने साले को तोहफे में दे दी। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।